साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर साइंस चैप्टर 1.2 पार्ट टू। ये वर्क एंड प्ले है। इसमें आप सभी पढ़ेंगे हाउ दे लर्न स्किल। तो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी जो भी काम हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स हैव नॉट बीन मेड इन आवर हाउसेस, वो हमारे घर में ये काम नहीं होता है। इट इज़ मेड ओनली बाय पर्सन हु आर अवेलेबल फॉर मेकिंग स्किल। ये वही लोग काम करते हैं जो इस काम को जानते हैं और डूइंग द जॉब परफेक्टली, ये अपने काम को बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। द पीपल लर्न देयर स्किल आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या तो वो अपने माता पिता से सीखते हैं या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू विल गेट सेवरल पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब और ऑक्यूपेशन। अगर आप चारों तरफ अपने देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरह का काम व्यवसाय करते आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑल डे लॉन्ग यू एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हर हमेशा हम दूसरे दूसरे तरह का भोजन खाते हैं पूरे दिन भर। दिस फूड इज़ प्रोड्यूस इन क्रॉप, ये फसल पैदा होते हैं आपके खेतों से, ठीक है, क्रॉप फील्ड से, बाई फार्मर, यानी फार्मर यह काम करते हैं। तो फार्मर जो काम करते हैं उसको फार्मिंग कहते हैं, ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। फार्मर नो द सीज़न एंड क्रॉप्स, फार्मर जानते हैं कि कौन सा सीजन चल रहा है और कौन सा क्रॉप उगाया जा सकता है। एंड सोइंग हार्वेस्टिंग स्टोरिंग सेलिंग टू ग्रॉसर, तो वो जानते हैं किस समय कौन से मौसम में कौन से फसल को बोना है, कब काटना है और स्टोर कैसे करना है और ग्रॉसर को किस से बेच देना है। ग्रॉसरी एज ऑक्यूपेशन, ग्रॉसरी इज़ एन ऑक्यूपेशन, ग्रॉसरी एक ऑक्यूपेशन होता है। द ग्रॉसर नो अबाउट द डे टू डे प्राइसेस ऑफ थिंग्स दैट चेंज, तो ग्रॉसर जानता है कि सारी चीज़ों का दाम कैसे बढ़ता है घटता है, ठीक है। ही कीप ऑल द क्रियल पल्सेज रेडी फूड आइटम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लेस वेयर द शॉप इज सिचुएटेड, ठीक है। जहाँ पे वह होता है तो वहाँ पर वह ग्रॉसर क्रियल पल्सेज रेडीमेड फूड ये सब जो है आवश्यकता के अनुसार रखता है। ही कीप्स बैलेंस वेट, उसके पास एक आपको तराजू मिलेगा, वेट बॉक्सेस मिलेगा आपको, बटखरा मिलेगा और पेपर पैकेट्स मिलेंगे जिससे वह पैक करके सारी चीज़ें बेचता है। आई मीट अ पॉटर, आप गांव में जाओगे तो वहां पर एक पॉटर मिलेगा जो चाक चलाता है और चाक चला करके उसी से उसकी कमाई होती है। पॉटर ऑन द पॉटरी व्हील्स मेक मेड ऑफ क्ले, क्ले से बनाता है अपनी पॉटरी को, है ना। ही यूज़ नाइफ्स, वह चाकू का इस्तेमाल करता है। एंड फाइन वायर टू मेकिंग पॉट, और वह पॉट बनाने के लिए फाइन वायर का इस्तेमाल करता है। ही ऑल्सो न्यू मेटेलिक डिज़ाइन फॉर कर्विंग डिज़ाइन ऑन द पॉट, वो जानता है कि कैसे मेटल का डिज़ाइन बना देते हैं पॉट पे या किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। ही वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड वैन हिज फादर स्टार्ट टीचिंग हिज द आर्ट ऑफ पॉटरी, 10 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी से यह सारे काम सीख लिए थे, ठीक है। अब आता है विश्वकर्मा इज ए साइकिल मैकेनिक, विश्वकर्मा एक साइकिल मैकेनिक है। ही लर्न द रिपेयरिंग वर्क फ्रॉम हिज फादर, उसने अपना काम जो है साइकिल मैकेनिक का वह फादर से सीखा है। हिज फादर हैड द साइकिल रिपेयरिंग शॉप अंडर द ट्री, उसके पिताजी जो हैं वह पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे उनका दुकान चलता था। नाउ विश्वकर्मा हैड परचेज ए शॉप इन द मार्केट वेयर ही डज द वर्क ऑफ रिपेयरिंग, अब विश्वकर्मा जो है एक दुकान ले लिया है, ठीक है, एक शॉप परचेज कर लिया है और मार्केट में वहीं पे वह रिपेयरिंग का काम करता है। ए टेलर स्टिच क्लॉथ, ही यूज मिडिल थ्रेड एंड सीविंग मशीन,
एक टेलर के पास आपको मिल जाएगा नीडल, थ्रेड और सीविंग मशीन होती है जिससे वो कपड़े सिलता है। ही लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज मदर एट होम, उसने अपनी माता जी से ये सारे काम सीखे थे। ठीक है, और भी सारे ऑक्यूपेशन हैं जिसके चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा, और हम लोग जानेंगे कि कुछ ऑक्यूपेशन जो बहुत हम लोग पढ़ते हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हम लोग कैसे करते हैं और उस तरह के ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के टास्क में आपको लिखना है फेयर में ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में लिखना है, फिर आपको लिखना है जैसे फार्मिंग ऑक्यूपेशन है ना, इसके बारे में लिखना है, ग्रॉसरी के बारे में लिखना है, ग्रॉसर के बारे में या ग्रॉसरी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है पॉटरी के बारे में लिखना है। ठीक है, और आपको लिखना है साइकिल मैकेनिक के बारे में। चलिए, आज की पढ़ाई में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।